अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो देर किस बात की, चले आइए, सपनों के साथ आइए, सफलता के साथ जाइए। अवतार कोचिंग सेंटर, विशाल सर, प्रफुल सर और विकास सर निरंतर एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में रिजल्ट देने के लिए पिछले 8 सालों से जाने जाते हैं। आगे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे को जिस उम्मीद से आते हैं उस उम्मीद के साथ उसको हम भेजें और ढेर सारे गार्जियन के घरों में खुशियाँ लाएं। बिहार में अभी सर्वाधिक रिजल्ट देने का हम लोग का रिकॉर्ड रहा, लास्ट ईयर भी हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं और देते भी आएंगे। जी हाँ, हमारा पता है अवतार कोचिंग सेंटर, करबिगहिया बस स्टैंड रोड नियर पटना जंक्शन, पटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7319695151 और दूसरा नंबर है 7295846300। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। जो गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन करने का काम किया। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मुजफ्फरपुर मोतिहारी वैशाली में अब तक 120 से ज़्यादा बच्चे की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार का उन पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। इतने दिनों बाद जब 120 का आंकड़ा जब ये क्रॉस हुआ है तब नीतीश कुमार जी आज गए हैं बच्चों से मिलने। इतने दिनों से वो लोग सो रहे थे, दिल्ली में अपना मजा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि हम नेता हैं, मंत्री हम डॉक्टर नहीं हैं। तो पिछले 12 साल से लगातार लगातार दावे किए जाते हैं, तो क्या लगता है कि जो 12 साल के अंतराल में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? 14 साल से मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश चाचा, उन्होंने इस 14 साल में क्या किया? ये अभी राजनीति करने का समय नहीं, अभी उन बच्चों को बचाने का समय है। इस पर फोकस करना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, अभी उन बच्चों का जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कल गया वहाँ पे, क्या कुछ देखा वहाँ पे? वहाँ का कंडीशन पूरा ख़राब था, डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे, मेडिसिन नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। परिजनों का अभी भी शिकायत है, किसी तरह कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया सरकार की तरफ से। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, बस आते हैं, नेता फोटो खिंचाते हैं, मीडियाबाजी करते हैं और चल देते हैं। मानवाधिकार ने रिपोर्ट मांगा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए, क्या लगता है रिपोर्ट आएगा? इन लोग का रिपोर्ट जो होगा वो भी आपसी तालमेल से, कि लोग मामला दब जाए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी। हम लोग पूरे डिमांड करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जल्द से जल्द इस्तीफा दे, इसका नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। नहीं है, बस यही उम्मीद है कि इस्तीफा दे, हम यही चाहते हैं। और आप एक खत्म हो गया सर, 23 तारीख को राजभवन मार्च हम लोग निकालने जा रहे हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल, ताकि कोई भी सरकार की जो अंतरात्मा है वो जग जाए। हम लोग ये राजभवन मार्च अपने नेता माननीय श्री तेज प्रताप यादव भैया के नेतृत्व में निकालेंगे।